कोई बताएगा इस फोटो का क्या मतलब निकला? रेड लाइन है सर वो तो। और वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। किसी ने ट्रेड लिया? नहीं सर नहीं लिया। क्या है क्यों नहीं लिया? मैं राकेश पटले बोल रहा हूँ सर। अच्छा। और कोई टेलीग्राम वाले भाई साहब? और कोई? किसी ने ट्रेड नहीं लिया इस पे? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है सर यहाँ तो। कितने लोग हैं भैया? 11 लोग हैं। मनोज जी, प्रवीण जी, दिनेश देवगन जी, और कौन है यहाँ पे? अमित जी, संदीप। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सी बात है, आप लोग देखोगे कि निफ्टी 50 का चार्ट है और मार्केट ने अपने आप को 20 की मूविंग एवरेज पे रेसिस्ट किया है। मैं अवेलेबल था नहीं, कुछ जरूरी काम से मैं बाहर था। मार्केट ने अपने आप को 20 की मूविंग एवरेज पे रेसिस्ट किया है, तो रेसिस्ट करने का मतलब क्या, यही 20 की मूविंग एवरेज ही हमारा ट्रेड है। ऐसे ये सब चीजें आपको मार्केट में समझनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना समझे मेरे मित्र कल्याण नहीं है। नहीं सर कल्याण नहीं है ना? जी सर, बिना समझे कल्याण नहीं है भैया। एक मिनट, तो थोड़ी बहुत जो उम्मीद है वो हमारी अभी 3 बजे वाली कैंडल है। आप देख रहे हो ये 1 घंटे का चार्ट है। जी सर। एक मिनट भाई, ये निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। आप देखो कि कैंडल खुली 20 की मूविंग एवरेज के पास आई और तब से यहीं पर घूम रही है। तो मार्केट में आपको किस तरीके से काम करना है मेरे मित्र? मार्केट में आपको इसी तरीके से ही काम करना है। अब मैंने कल ही बोल दिया था कि अगर आप काम करोगे तो अगले महीने की एक्सपायरी में करोगे, ये सॉरी अगले वीक की एक्सपायरी में करोगे, ये अगले वीक की एक्सपायरी का 18,300 का कॉल है। अगर आपने यहाँ पर लिया होता 120 पे तो अभी तक आप कहीं पर भी लॉस में नहीं होते। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट में जब भी आप काम करते हो तो आपकी एंट्री कहाँ बन रही है, आपका एसएल कहाँ बन रहा है और आपका टारगेट कहाँ बन रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। है ना साहब? जी सर, जी सर। मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो भाई अब क्या बताएं। इसी को बोलते हैं मार्केट का एसएल, इसी को बोलते हैं मेरे भाई मार्केट का एसएल। ये 18,300 का कॉल है, आप देख रहे हो यहाँ पे लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं मार्केट का एसएल। तो आप यहाँ कहीं पर भी 20 की मूविंग एवरेज के पास ट्रेड लो तभी आप 10-15 पॉइंट आप प्रॉफिट में ही होते, आप लॉस में जा ही नहीं सकते।
आप लॉस में जा ही नहीं सकते। जैसे अब कल एक यूजर ने एक आरआर करके हैं, आते हैं डिस्कशन ग्रुप में, तो एक्सिस बैंक चल रहा है सर। हैं? एक्सिस बैंक एक नंबर चल रहा है। हाँ, एक्सिस बैंक एक नंबर चल रहा है, स्टोन एज ना। डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए राकेश जी, जान बच जाएगी, जान कहीं नहीं जाएगी, है ना। नहीं, मैंने ना वो पूरे स्टोरेज तो सर वहाँ के पूरे चलने वाले हैं स्टोरेज, ठीक है, पर वो जिस रफ्तार से चल रहा है सर एक्सिस बैंक, उसकी रफ्तार देखने लायक, वो अलग ही चल रहा है वो। अरे सर वो एक तरफा चल रहा है, वो अलग ही चल रहा है मेरे मित्र, उसमें जितना पैसा लगाया मेरा हिसाब से 75% आ गया है। हाँ, 3996 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है उसमें अभी। अब ये देखिए, कल एक महाशय है, उन्होंने राहुल राज जी ने पूछा है कि व्हिच डमी अकाउंट इज दिस। मैंने इस पे लिखा है कि दिस इज नॉट अ डमी अकाउंट माय डियर, दिस इज अ प्रॉफिट ऑफ आवर ग्रुप मेंबर, यू कैन सी द नेम एज वेल। एंड फिर मैंने एक वॉइस मैसेज भी भेजा। तो दिक्कत क्या है जानते हैं, ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने लाखों रिटेलर्स की प्रॉब्लम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है ना, लाखों रिटेलर्स का ये प्रॉब्लम है जिसको इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि रिटेलर को मेरे भाई पता ही नहीं है कि उसको प्रॉफिट हो भी सकता है ना, रिटेलर को तो ये बात पता ही नहीं है कि मैं प्रॉफिट भी कर सकता हूं, लिटरली ये बात रिटेलर को नहीं पता है कि मैं प्रॉफिट भी कर सकता हूं। यहां पर आप देखो, खुला गिरा, एक घंटे का चार्ट है, 20 की मूविंग, अब इसमें पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है निफ्टी का जो चार्ट है, इसमें नहीं दिखा रहा है। आप इसमें देखोगे तो इसी के आसपास ये कैंडल जो है 18294 और ये भी 18294 291294 यही है, बट ये 10 की मूविंग एवरेज है और इसमें देखिए ये 20 की मूविंग एवरेज है ना, देख रहे हो ना। जी सर, जी सर, जी सर। आपको ट्रेडिंग व्यू में और इसमें क्या कहते हैं अपना जीरोधा में कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा, 18391। अब देखिए इन चीजों को आप कैसे देखोगे मेरे मित्र, आप देखो, मैं आपको एक बहुत तगड़ी चीज दिखा रहा हूं, जीरोधा में जो निफ्टी खुली है 18360 के पास खुली है, आप देख रहे हो। जी सर। और ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी कहां खुली है, अठारह हजार तीन सौ नब्बे। एक घंटे के चार्ट पे देखो, एक सेकेंड। हाँ, 18290 सर, 290 नहीं 390। हाँ, 390। अपना आपको कैंडल का टॉप, हाँ 390। और जीरोधा में एक सेकेंड सर, हाई 18357। 18357 ऐसा डिफरेंस क्यों सर? इसीलिए तो कहता हूं कि सीखो। 18357 हाँ, इस पे बराबर बोल रहे हो, इसीलिए कहता हूं कि सीखो, और किसी वजह से नहीं बोलता हूं सीखो। सीखने को मिला, सीखने को तो नहीं कुछ मिला, जानने को मिला ना कुछ। जी सर, जी सर। 30 पॉइंट का गैप है, नहीं समझा सर। 30 पॉइंट का गैप है दोनों की ओपनिंग में। जी 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 जी। अभी पिछले दिनों में शायद आप लोगों को याद हो कि ना याद हो,
निफ्टी में गैप अप था, जीरोधा में गैप डाउन था, पीछे जाके चेक करना पता लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है सर? होता है, अब भैया मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, मार्केट इज सुप्रीम। चार्ट कौन सा सही है, अपन कौन सा चार्ट सही माने इसमें? सब सही है, सब सही है, सब सही है, राजकाज है ये। ये राजकाज है ना जी जी जी। तो अभी भी देखिए, ये आप अभी भी इसमें लॉस में नहीं हो, देख रहे हो आप? जी सर, अभी भी आप लॉस में नहीं हो। और ये ए वी वेब पे देखिए धक्के खा रहा है, बड़े देर से धक्के खा रहा है। कहां तक गया था? 140 तक गया भी था, ये हाई है इसका 140। हाँ, अभी भी ये ए वी वेब पे धक्के खा रहा है। रेंज बाउंड भी है सर मार्केट। हाँ, रेंज बाउंड है। अगर ये एक्सपायरी मूवमेंट नहीं आया तो आशा करेंगे कि अगले एक्सपायरी अच्छा मूवमेंट रहे। आज के दिन अगर मूवमेंट नहीं आया, आइए एक बार ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। जी जी, ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं क्या मामला चल रहा है। मैंने बोला था कि सवा दो के बाद एक हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है अब आएगी। अब देखो सर, वो इंट्राडे वाले अगर एग्जिट करेंगे 3 बजे तक के, वहां पर आ सकती है, वहां पे घाट अगर आ जाए तो फिर आ जाए। देखो, 4,18,350 पे, 18,400 पे, 4,00,000, 4 और 3 7 लाख, 4 और 2, 4 और 3 7 लाख, फिर 18,450 पे 3 लाख, 18,500 पे 4 लाख, इतने कॉल राइटर बैठे हुए हैं। जी जी जी। बट पुट राइटर भी 18,350 पे, ये तो आज निकल जाएंगे, 18,350, फिर 18,300, फिर 18,250, ये मार्केट को आज रेंज बाउंड करके छोड़ेंगे। क्योंकि मैंने सवेरे से डेटा देखा नहीं, अभी लोगों के साथ, आप लोगों के साथ ऑनलाइन आया हूं, तो मैं डेटा देख रहा हूं। एक बार इसको थोड़ा सा हम लोग इस पर भी जाके देखेंगे सेंसिबल पे, कि बिल्डअप क्या है। 50 पॉइंट में मार्केट खेला है निफ्टी 50, तो 50 पॉइंट तो सर वो डीकेज है, वो यानी डीएनए खरे मोमेंटम पे बड़ा बाइंग करेंगे। तो मैंने आप लोगों को कल आईटीएम की इंट्रेंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके बता दी थी कि 50-50 चल रही है। जी जी, और सर वॉल्यूम में भी ज्यादा अंतर नहीं है, वॉल्यूम दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, पर मार्केट ऑप्शन चैन के हिसाब से तो नीचे दिखा रहा था ये, अगर ओपन इंटरेस्ट को अपन अगर देखेंगे पूरा, तो मैं तो देखता नहीं सर इसको ऑप्शन चैन को, बट कभी कभी नजर मारता हूँ, क्योंकि लकीर जो कह रही है वही सही है सर। हाँ, चार्ट हमेशा सही बोलता है, ऑप्शन चेन हमेशा करेक्ट नहीं होती। नहीं नहीं, वो जो आपकी जो लकीर है ना वही सही कहती है, वो फिर जिधर करी चलना है, लकीर के फकीर बनना है भाई साहब। जी सर, जी सर, लकीर जिधर जा रही है उधर ही जाना है। तो लकीर तो आज अभी बोल रही थी सवेरे से, लकीर ने सुबह सुबह अच्छा मोमेंटम दी है, महेंद्र जी निकाल दिए वहां से भी पैसे। मार्केट रेंज बाउंड है, पीसीआर आपका 8.8 है, मार्केट रेंज बाउंड है जी। मार्केट यहां से कहीं नहीं जाने वाला है। कल मैंने आपको क्लियरली एनालिसिस बैंक निफ्टी निफ्टी के एनालिसिस में बता दिया था कि भैया जब तक इसके पार ना लगे, और जब तक इसके पार ना लगे तब तक नहीं। हाँ, अगर यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाता है तो हम एक कॉल के लिए जाएंगे, अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाते, क्योंकि यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज है, इसी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, है ना? जी सर, जी सर, एज सिंपल एज दैट। तो अभी मार्केट में ऐसा कुछ है ही नहीं, देखते हैं स्टॉक्स में है क्या कुछ बन रहा है, तो एक दो चीजें लोगों को देते हैं। वैसे ही मार्केट मेरे ख्याल से स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। अरे वाह, पहला परफॉर्मेंस तो अदानी ने ही दिया है। पहला परफॉर्मेंस अदानी ने दिया है, अंबुजा ने क्या दिया है, वाह, अंबुजा ने भी 1 घंटे में बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, देख रहे हो आप लोग? सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आज इंडसइंड बैंक ने दिया है।
इंडसइंड बैंक को लगा देते इसमें है नहीं क्या इंडस आई एन डी यू 1298 पे सीधा 193 पे ट्रेड कर रहा है 191 1193 इंडसइंड बैंक के मोमेंटम दिया है 1191 75 बहुत बढ़िया है अपने रेजिस्टेंस के पास जाके रुक गया है ये जी 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 और एक्सिस बैंक तो धमाल मचा के रखा है हाँ एक्सिस बैंक तो ठीक है सर और जितने भी स्टोन एज दिए सारे ही चल रहे हैं बजाज फिंसर भी धमाल ही मचा के रख रहा है 20 की मूविंग एवरेज पे जाके वो रख रहा है बंधन बैंक में भी धमाल ही है ब्रिटानिया तो अच्छा चल ही रहा होगा जहां तक मेरा ख्याल अच्छा ही चल रहा है ब्रिटानिया सब कुछ दिया हुआ है आप लोगों को हैवेल्स भी मेरे ख्याल से ठीक ही चल रहा होगा मैं हैवेल्स के ट्रेड में था हाँ हैवेल्स भी बढ़िया चल रहा है एचयूएल भी बढ़िया चल रहा है अब मेरा आप लोगों से कुछ सवाल हो जाए यहाँ पर जितने लोग भी ग्रुप में अभी अवेलेबल हैं मीटिंग में किसी का कोई शंका समाधान किसी की कोई क्वेरी किसी की कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी कहीं किसी को ट्रेडिंग करने में दिक्कत आ रही हो तो मेरे को बताएं प्लीज मेरे को बताएं मैं आप ही लोगों के लिए आता हूं सर बताएं किसी की कोई दिक्कत किसी की कोई क्वेरी कुछ भी हो बताइए नहीं सर अभी तो कुछ किसी के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है आज ग्रुप वाले कुछ बोल नहीं रहे सर अरे ये जो ग्रुप है अभी हमारे पास सामने जो ग्रुप खुला हुआ है किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं वाह भाई ट्रेड नहीं कर रहा होगा हैं आज कोई ट्रेड नहीं कर रहा होगा अरे ट्रेड करने या ना करने से क्या मतलब है भैया क्वेश्चंस का जी 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 अच्छा एक चीज ये बताइए सर जैसे अपने ब्रिटानिया का चार्ट खोले और बिना ऑप्शन चैन खोले अगर बाय कर दिया अपन ने सीधा तो फिर वैसा बाय हो जाता है क्या फ्यूचर बाय हो जाता है क्या सर वो जैसे डायरेक्ट बाय करेंगे तो वो अब जैसे आपने सुनी हिंदुस्तान यूनिलीवर खोला जी आपके सामने चला आपने देखा कि ये ट्रेड सक्सेसफुल जाने वाला है ठीक है जी 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 अब आपने देखा कि ये 2530 के आसपास चल रहा है तो आपका ऑप्शन क्या बन रहा है 2500 जी आप तुरंत गए HUL 2500 हिंदुस्तान HINDU 2500 सी बाय किए जी है ना जी सर कितने का पड़ेगा ये अट्ठाईस हजार का नहीं पड़ेगा मेरे मित्र सवेरे इसका रेट कितना था एक मिनट में बता देता हूँ 51 रुपए था सवेरे इसका रेट जी जी डालिए 51 कितने का मिलता आपको सवेरे 15,000 का मिलता ही अभी ये 94 रुपए चल रहा है और 28,000 तो 15 और 13 28 आपको 13,000 रुपए का प्रॉफिट था इसमें इसको हमको दे दो बेटा
ठीक है जी, ऐसे ही ऑप्शन खोजे आते हैं। और आपको अच्छे से जाना है, आप सेंसिबल पे चले आओ, सेंसिबल इज द बेस्ट ऑप्शन को खोजने के लिए। ट्रेड में जाइए, स्ट्रेटजी बिल्डर में जाइए, यहाँ पे टाइप कीजिए मित्र हिंदुस्तान यूनिलीवर, HINDUS हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपने टाइप कर दिया। अब बिल्डर कस्टम स्ट्रेटजी पे जाइए, बिल्ड कस्टम स्ट्रेटजी पर जाइए। तो सवेरे आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर 2500 पे था, आप 2520 का खरीद लेते, 76 रुपए का या जो भी खरीद लेते। यहाँ पर देखिए, अभी भी आप खरीदना चाहते तो 2600 का आप बाई कर सकते हैं। 2600 का अगर आप बाई करेंगे तो 6995 रुपए लगेंगे, आराम से आप बाई करके जा सकते हैं। समझे आप? जी सर, जी सर, ऐसे ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। शक्तिमान जी सर, कितने लोगों को यही नहीं पता है, इतने लोगों को यही नहीं पता है मेरे मित्र, करना क्या है। अब जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आज के मार्केट से रिलेटेड थोड़े ना होगा मेरे मित्र। जी सर, क्वेश्चन तो ये है कि आपको परेशानी कहाँ आ रही है जब आप मार्केट में जाते हो, कहाँ बाय करें, कहाँ सेल करें, कहाँ एंट्री लें, कहाँ एसएल लगाएं, क्वेश्चन तो ये है ना आपका। जी सर, जी सर, मेरे मित्र मार्केट रेंज बाउंड है, आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूं। जी जी, लेकिन सिस्टम से हट नहीं रहे, एक बार ध्यान रखिएगा। जी सर, जी सर, अभी भी देखिए 127 ही चल रहा है, ये अभी भी देखिए 127 ही चल रहा है। जी जी, ये ना आपको लॉस देगा ना प्रॉफिट देगा। अगले महीने 18 मई का 18,300 का सी है, आप इसमें आराम से बैठे रहोगे। अपना स्टॉप लॉस यहीं कहीं लगा दो इस कैंडल के नीचे, या ये आज का लो का स्टॉप लॉस लगा दो 114 रुपए, खाएगा ही नहीं वो। जी सर, खाएगा ही नहीं सर, कैसे खा लेगा, इतनी हिम्मत नहीं है। ये जो है ये मार्केट का स्टॉप लॉस है मेरे मित्र, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। ये सब सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लोगों को समझनी चाहिए। मैं तो इस बात से थोड़ा सा मैं आश्चर्यचकित हूं कि किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि मार्केट कुछ नहीं है, आज के मार्केट करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए जैसे कल का मार्केट है, कल का मार्केट ट्रेंडिंग था या थोड़ा सा लोग के ट्रेड चल रहे थे तो क्वेश्चंस नहीं आए तो समझ में आता, लेकिन आज के मार्केट में कुछ नहीं तो क्वेश्चंस तो भर भर के आने चाहिए। जी सर, जी सर, पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि आज का मार्केट रेंज बाउंड क्यों हुआ, आज के मार्केट में ट्रेड कहाँ बन रहा था। आप देख रहे हो कि मार्केट, आप खुद बोल रहे हो ना मार्केट 70-80 पॉइंट के रेंज में है, ये है मार्केट की रेंज 50 पॉइंट, या पकड़ लो यहां से रेंज पकड़ो आप। सुबह के मूव को तो उतना कैप्चर नहीं कर पाएंगे 15 मिनट के सुबह का मूव, वो तो मुझे ही पता है, ऊपर खुला है तो नीचे जाएगा, बाकी उसके बाद में 50 का है, बस 50 का भी है। 98 पॉइंट का आज मार्केट का टोटल रन है जी, जिसमें से पहले घंटे के बाद, जिसमें से पहले घंटे के बाद मार्केट मात्र 50 पॉइंट में रन कर रहा है। जी जी जी, देख रहे हो आप? जी सर, जी सर, इसी में सर लोग कॉल पुट मचा रहे होंगे, कॉल पुट, जी सर, कॉल पुट इसमें कर रहे होंगे और फिर लॉस दे रहे होंगे मार्केट। सर एडवांस समझने के लिए सबसे जरूरी है समझना बेसिक, जब तक आप काघा गाघा ABCD और उसका मतलब नहीं समझोगे तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे।
सेंटेंस बनाने के लिए आपको पूरा ककहरा और पूरा अल्फाबेट आपको जानना जरूरी है। जी सर, जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, बहुत अच्छी बात है, जान के अच्छा लगा कि सारे लोग जानकार हैं। सर, हाँ सर बोलिए। ये डे टाइम फ्रेम पे 20 का सपोर्ट लेगा क्या टाटा स्टील? देख लेते हैं भाई साहब, क्योंकि अब वही आ रहा है और इससे पहले भी डे टाइम फ्रेम पे 20 पे सपोर्ट लिया है उसने। ट्वेंटी के सपोर्ट के पास में आ रहा है वो, और वीकली में रेजिस्टेंस है वो टाटा स्टील तो अपने सपोर्ट पर ही खड़ा है। हाँ वही डे टाइम फ्रेम पे वो सपोर्ट है। हाँ 20 ऐसे में वहां से बाउंस बैक ले सकता है ना ये? हाँ एक आई हो गए, एक बार वीकली का देख लेते हैं। वीकली पे वो उसका रेजिस्टेंस है, चिंता मत कीजिए, बने रहिए। सेल को भी देख लेते हैं। नहीं सेल तो उतना दुख नहीं दिया है अभी, ये ज्यादा ही दे रहा है। आप ये देखो हिलेगा मिलेगा, ये प्रॉपर बाई में है। अच्छा सेल में ये टाटा स्टील सर। डोंट वरी, कहीं नहीं जाएगा ये। जी इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग उसमें जा सकते हैं अपना स्टोनेज में। काय में? ये टाटा स्टील में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। जी जी जी, बहुत तगड़े प्राइस पे मिलेगा ये। मुश्किलन इसमें 2500-3000 का इन्वेस्टमेंट होगा और प्रॉफिट तो अलग की बात हो गई। कम से कम 50,000 रुपए दे के जाएगा ये जून में। 3000 रुपए टाटा स्टील सर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया टाटा स्टील भी देख लेते हैं। वो मेरे पास सोचा यही होगा, टाटा स्टील भी देख लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं जी। स्टील अथॉरिटी उसको तो मत ही देखो सर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टाटा स्टील को स्टोन एज में नोट कीजिए। एक मिनट, स्टील अथॉरिटी, अरे आपके जो दोनों ट्रेड है सेल को और टाटा को, टाटा स्टील को दिल्ली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। बहुत तगड़ा ट्रेड देके आएगा क्योंकि 108 से इसका टारगेट है 123। एक मिनट, 108 से 123। इसे लोगों खोल ही लेता हूँ ना। क्लियर, टाटा स्टील, टाटा स्टील कोई भी एक ऑप्शन उठा लेते हैं। 108 में बाई किया तो 8 वाला 13,200 और 123 वाला कितने का चल रहा है? 825। आराम से कम कुछ नहीं तो मिनिमम 30,000 रुपए दे के जाएगा, कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं मेरे मित्र। इसमें खैर कुछ है ही नहीं। मेरे ख्याल से सबका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरे ख्याल से लाइव को बंद ही करना चाहिए, है ना? बिकॉज ऑफ, मैं इसीलिए आया था कि अगर लोगों के आज थोड़ा सा सबके पास टाइम फ्री होगा
तो लोग अपने अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं कि ज्यादा लोग ट्रेड में होंगे नहीं, जो होंगे वो लॉस करके बैठ चुके होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं बातें थोड़ी सी खरी खरी बोलता हूँ, लेकिन जो सुनना तो मैंने भी सुना है, आपको भी सुनना पड़ेगा क्योंकि सत्य है। चलिए जी, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्वेश्चंस नहीं किया आप लोगों ने, ये थोड़ा सा मुझे वो लगा, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूँ और वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। मैं हमेशा इसी चक्कर में रहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है आज ना हो, दिमाग ना काम कर रहा हो, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग आए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद।